हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको भाई दूज कैसे बनाते हैं ये देखना है, कुछ अलग तरीके से भी देखना है, सेलिब्रेट करना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और पूरे वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज है भैया दूज, जो आज का टाइमिंग बताया गया है शुभ मुहूर्त है। वैसे तो मुहूर्त जो है वो है सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के सूर्य अस्त होने से पहले तक का है, बट इसमें भी चौकरियाँ आते हैं, काफ़ी शुभ मुहूर्त होते हैं, जिसमें से 1 बजे से लेकर शाम के मतलब कि सुबह दोपहर के 1 बजे से लेकर अभी दोपहर के 3 बजे तक का मुहूर्त को सबसे शुभ बताया जा रहा है। बाकी तो पूरे दिन कभी भी भाई अपने टाइम निकाल के बहनों के घर जा सकते हैं। कई कई बहुत दूर रहते हैं, टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, दूसरे स्टेट पे रहते हैं, तो उनको भी बहुत टाइम लगता है, वो सेम डे पे नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बहनों को भैया दूज को सेलिब्रेट करने के लिए। कभी कभी डिले भी करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं है, जब टाइम मिले तभी सही है। और पहली बात तो ये जो है ये यमुना जी और भगवान यम जी से रिलेटेड है भैया दूज, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यमुना जी ने अपने घर पे यम जी को बुलाया था भैया दूज के दिन पे। ये अपने दिवाली के जैसे गोवर्धन पूजा हो जाती है, उसके गोवर्धन पूजा के बाद जो दूसरा आता है दिन, उस दिन ये मनाया जाता है, भैया दूज होता है। गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भैया दूज मनाया जाता है, और इसे हमारे देश में काफ़ी जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ जगहों को छोड़ के किया जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में जाएंगे तो इसे भाई फूटा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो भैया दूज के नाम से जितनी भी बहनें हैं यमुना जी के जैसे प्रे करती हैं यमराज से कि हमारे भाई की लंबी उम्र हो और वो बहुत हैप्पी रहें लॉन्ग लाइफ के लिए। ये भैया दूज का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जितनी भी बहनें हैं अपने भाइयों को अपने घर में बुला के उनके लिए अच्छा अच्छा सा पकवान बना के खाना तैयार करके उनको अपने घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाती हैं, टीका लगाती हैं, और इसके बदले में भाई अपना प्यार से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कुछ गिफ्ट हो सकता है। ये भैया आ चुके हैं तो हम सेलिब्रेट करेंगे भैया दूज को। मैंने प्लेट तैयार कर रखी है, चलिए मेरे साथ इंजॉय करते हैं भाई दूज को। ये मैंने प्लेट रेडी कर लिया है, मैंने मिठाई रख ली है, ये घंटी है, रोली मूली चावल घी का दिया और फूल, ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है भैया दूज के लिए। और बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया दूज। দ্বিতীয়াতে দিয়া ফুটা তৃতীয়া তৃতীয়া নিতা জমের বইন যমুনা সে দে তার ভাইরে ফোটা আমরা দি আমার ভাইরে ফোটা আজি বুঝি ভাই আমার জমদুয়ারের খুঁটা। এ 3 বার লাইন ধরানি ফির উসকে বাদ ফির বোলা হ্যাঁ দ্বিতীয়াতে দিয়া ফুটা তৃতীয়া তৃতীয়া নিতা জমের বইন যমুনা সে দে তার ভাইরে ফোটা আমরা দি আমার ভাইরে ফোটা আজি বুঝি ভাই আমার জমদুয়ারের কাটা। হমারে পে কাটা ভি টচ করতে হ্যাঁ তাকি জিতনি ভি বুরি নজরে বগেরা হ্যাঁ উনসে দূরি रहे, सेफ रहे, लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर की जाती है भगवान से, इसलिए भैया दूज मनाया जाता है। भाइयों
भैया दूज पे उपहार के तौर पे कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, जो भी उनकी श्रद्धा हो वो सब दे सकते हैं जैसा उनको ठीक लगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंजॉय कीजिए आप भैया दूज के त्योहार को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।